केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मोदी के स्टाइल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि वो बिना मेहनत किए विरासत में अर्जित संपत्ति की नहीं खाते हैं बल्कि काम करके कमाते खाते हैं। सोशल मीडिया पर पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, 26 मई 2014 तक यानी केंद्र सरकार में मंत्री बनने से पहले मैं एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट और बैंकर था। राहुल गांधी अपनी तरह मैंने बिना काम के ही जीवन बसर करने की कला नहीं सीखी है। मैं भी एक कामदार काम करने वाला हूं, ना कि नामदार विरासत वाला। अपने दूसरे ट्वीट में गोयल ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर निशाना साधते हुए लिखा, मैं कानून में टॉपर रह चुका हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी ऑल इंडिया रैंकिंग में दूसरा स्थान था, इसलिए मैं कंसल्टेंसी देने में सक्षम हूँ। वैसे चिदम्बरम जी, आपके बेटे कार्तिक चिदम्बरम की कंसल्टेंसी फर्म में कौन कंसल्टेंट है? बता दें कि पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेताओं के उन आरोपों के बाद यह पलटवार किया जिसमें कहा गया था गोयल ने 5 लाख की कंपनी अपने कॉरपोरेट दोस्त को 48 करोड़ रुपये में बेचकर अनुचित तरीके से उगाही की है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।